शहीदों की जमी को हिंदुस्तान कहते हैं, शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर होकर भी बुजदिल पैदा नहीं करती। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट आउट हियर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन। प्रत्येक वर्ष भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। सन 1947 में इसी दिन भारत ने यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इस दिन का भारतीय इतिहास में उल्लेखनीय स्थान है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा भारतीय संविधान सभा को विधायी संप्रभुता प्रदान की गई थी। टुडे ऑन August 15, 2020 इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स 74 ईयर्स ऑफ फ्रीडम। And to embark this great journey in this phase of pandemic, the administration and staff of Surajmal Jain Dayanand Anglo-Vedic Public School, Chaibasa, have decided to celebrate this great day through virtual means. Lehraega tiranga neele aasman par, lehraega tiranga neele aasman par, Bharat ma ka naam hoga sabki zubaan par. चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा प्राण है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है अविराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको कार्यक्रम रूपरेखा की जानकारी दे दें। आज के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर SJDAV चाईबासा की ओर से प्रस्तुत है यह कार्यक्रम। इस पैंडेमिक के दौर में भी स्वतंत्रता दिवस मनाने के हर्षोल्लास और बच्चों के जुनून में कोई कमी नहीं आई। इस मुश्किल घड़ी में भी इस कार्यक्रम की प्रस्तुति इस बात को दर्शा रही है कि हमारे इन बच्चों में देशभक्ति कूद कूद कर रही है। सबसे पहले सुनेंगे बच्चों द्वारा गाया हुआ राष्ट्रीय गान, उसके बाद सायं के लफ्जों में सुनेंगे इंडिया प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। के बाद आपको दिखाएंगे वो जो आज के इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बनेंगे प्रधानमंत्री। पेश करेंगे कार्यक्रम प्रधानमंत्री, हमारे नन्हे बच्चों को प्रधानमंत्री की वेशभूषा में देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखना ना भूले कार्यक्रम प्रधानमंत्री। इस कार्यक्रम के बाद सुनेंगे देशभक्ति गीत हमारे संगीत शिक्षक के द्वारा। देशभक्ति गीत के बाद आपको सुनवाएंगे स्वतंत्रता दिवस पर एक भाषण, जो आप तक पहुंचाएंगे हमारे हिंदी के शिक्षक तिवारी सर। उसके बाद हमारी छात्रा संगीता से आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। संगीता की देशभक्ति गीत के बाद आप देखेंगे हमारे प्राचार्य महोदय को और जानेंगे उनके क्या है विचार आज के इस शुभ अवसर के बारे में, और उसके बाद हमारा आज का ये कार्यक्रम समाप्त होगा। तो बिगिनिंग विद टुडेज वर्चुअल प्रोग्राम, हियर आर स्टूडेंट्स प्रेजेंटिंग नेशनल एंथम एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द कंट्री एंड इट्स ट्राइकलर। लेट्स वेलकम आवर टाइनी सिंगर्स विशिष्ठा, परी आनंद एंड आयुषी दास। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं,
वह खून का वो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। वह खून का वो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जन्म में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर खेला जाता है। After these powerful and encouraging lines from this beautiful patriotic poem, I invite Sayan to put light on India's progress after independence. On this auspicious day of 15th of August, I wish you all a very happy Independence Day. We have come through a very long way, and of course, it has been a brilliant one. Today, when we turn the pages of history, we get the feeling of pride within us. So, get ready for a tour through the pages of history and experience how we progress through all these years. After India got independent, the first and foremost problem what we were facing is education, healthcare, and basic amenities. The first and foremost was, of course, basic amenities. India was disintegrated during that. Then came our first legend, who was Sri Vallabh Bhai Patel. He worked hard to unite the country and he gave the shape of the map what we see today. When India was settling slowly and steadily, the biggest problem what came was economy. During that time, India was hardly doing good in economy. During the British Raj, there was a great amount of deindustrialization in the country. And because of the deindustrialization process, our economy has completely collapsed. People were thinking that India won't survive in this competing world. But India proved them wrong. Some of the heroics of great people like P.C. Mahalanobis and other people had come through a great lot of ideas. One of them was the 5 years plan. Through 5 years plan, they had targeted economic growth and slowly and steadily they had achieved a hell lot of economic development. In the 1980s and 1990s, India achieved globalization. It allowed the foreign markets to enter in the country and slowly and steadily allow the trade within the world. As you all know that India had a great ancient history in case of trade. India started to grow that. India started to trade spices and other textile industries and slowly and steadily it reached its boom. And recently, as you guys know, that the fourth richest man in the world is right now an Indian itself. So this simply shows how a country from a very bad economic condition went through a hell lot of difficulties in surviving, had gone through a hell lot of distance towards up, and now it is one of the richest country in the world. It is achieving to reach 5 million economy and we hope that it will do soon. When we finished about economy, the second thing which comes in our mind is politics. Why politics? Because if we don't know how to live our life, then we can never be successful. When we talk about politics, the important thing is how people set up guidelines. And when we talk about guidelines, the first thing which comes in our mind is the constitution. And it is of no use to explain why constitution is one of the best constitutions in the world right now. Indian constitution is one of the most extensive constitution made so far. It has so many details within it and it gives the perfect guidelines for people to follow and form one of the best country. People also say that if we are able to follow the guidelines of constitution to its best, then there is no stopping to become one of the best country in the world. The constitution is framed by Sri B.R. Ambedkarji and it is of course one of the best constitutions so far. After politics, let's talk a little bit about education and how our education has grown.
Well, I forgot to mention one thing. When we talk about politics, I should mention that right now India is the largest democratic country in the world. So it shows how much development it has done. Alright, let's move on to education part. After independence, the literacy rate of India was very low. Only less than 1/6 of the Indian population was educated. But soon, India started to pay their attention on education. After the basic amenities part was covered, they started to put their focus on education. And soon, they came up with the ideas of brilliant institutions like the IITs, NITs, IIITs, AIIMS and others. These are some of the most premier institutes of the country. And of course, they are able to compete with one of the topmost institutes in the world, like the MITs, Harvard, Oxford and others. Through the Indian education, they have come a lot of genius minds. One of them was Dr. APJ Abdul Kalam. We are all aware of his contributions. Due to Dr. APJ Abdul Kalam, the Indian science and technology has reached to another level. The space and technology part was greatly influenced by Dr. APJ Abdul Kalam. We all know about ISRO. Of course, it is due to the joint contribution of Dr. APJ Abdul Kalam and Dr. Vikram Sarabhai. ISRO is one of the premier places in India where space and technology is researched at its top notch. It is also compared by NASA of USA. And of course, we know what miracles ISRO has done. It has reached to Mars with so less fuel that even Hollywood films cannot be made by that. So it shows how much efficiency Indians have achieved in the part of space and technology. Let's move a little ahead and talk about sports. When we talk about sports, then after independence, we didn't have so much exposure to sports. People used to think that, all right, there is education, we can go to some extent, but that's it. But soon Indians started to show miracles in sports. Starting from cricket, where today India is one of the best teams in the world. India shows some great results in Olympics as well. In other games like chess, there are some of the greatest players who are from India. One of them is Vishwanathan Anand. If I talk about cricket, then players like Sachin Tendulkar, and in present times, it's of course Virat Kohli. So we can see that in sports also, India has grown through to a very great extent. Indian footballers like Bhaichung Bhutia are one of the most favorite footballers of all time. And of course, the now favorite Sunil Chhetri. So you guys can see that Indian sportsmen like Milkha Singh and players like P.T. Usha and others have done some great results in Olympics as well. So all in all, I want to tell that India has developed a lot. Through all these 63 years, India has become one of the best countries possible in the world. It has come from nowhere, out of complete scratch, to one of the best countries in the world. Yet, we have covered a great distance, but we still have a lot to go. But just keep one thing in mind, that we must keep our golden history in our mind. We must keep how we progressed through so many years, what struggles we faced, how these great legends have given up their life for the development of the country, and of course, we must contribute to it at last. I'd like to wish you a happy Independence Day once again. Jai Hind. Thank you, Sahil, for sharing India's progress journey with us. It was really informative. 15 August ka din kehta, Azadi abhi adhuri hai. 15 August ka din kehta, Azadi abhi adhuri hai. Sapne sach hona baki hai, Ravi ki shapath na puri hai. जिनकी लाशों पे पग धरकर आजादी भारत में आई, जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की लिखी चंद पंक्तियों के बाद हमारी अगली प्रस्तुति के लिए मैं अपनी सहकर्मी मिसेस तृप्ति तिवारी से आग्रह करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम को आगे। थैंक यू मनीषा। लगभग 200 वर्षों की स्याह ब्रितानी हुकूमत के बाद 15 अगस्त सन 1947 को देश ने आजादी का नव विहान देखा। देश की सामूहिक चेतना की दमित इच्छाओं को नए पंख लग गए। राजतंत्र और उपनिवेशवाद से परे अपना जनतंत्र कायम हुआ। देश ने अंगड़ाई ली,
समाज का सर्वांगीण विकास राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आ गया। आधुनिकता परवान चढ़ी, संवैधानिक मूल्यों के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री के पद का सृजन हुआ। सरकारें किसी भी पार्टी की रही हो, पर हमारे प्रधानमंत्रियों ने जाति धर्म से परे राष्ट्रीय मूल्यों को तरजीह देकर लोकतंत्र की खूबसूरती को ही चित्रित किया है। प्रधानमंत्रियों की वेशभूषा में बच्चों की अभिव्यक्ति आजाद भारत के इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि डालने का बाल प्रयास है। यह नई शिक्षा नीति के अनुरूप क्रियाकलाप आधारित ज्ञानार्जन की दिशा में एक प्रायोगिक पहल है। आशा है यह कार्यक्रम बच्चों में राष्ट्रीय गौरव का भाव जागृत करेगा। इसी शुभेच्छा के साथ प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रधानमंत्री। नमस्ते, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री। मेरा कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक था। नमस्ते, मैं गुलजारी लाल नंदा। मुझे 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने का अवसर मिला। पहला 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक तथा दूसरा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। मैंने ही इन तक की स्थापना की। मैंने जीवन के पूरे 100 वसंत देखे। धन्यवाद। मैं लाल बहादुर शास्त्री, भारत वर्ष का दूसरा प्रधानमंत्री। मेरा कार्यकाल 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक रहा। मेरा नारा है जय जवान जय किसान। धन्यवाद। नमस्ते, मैं श्रीमती इंदिरा गांधी। मैं स्वतंत्र भारत की पहली एवं अब तक की अंतिम महिला प्रधानमंत्री। मैं वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रही और मेरी 4थी पारी 1980 से 1984 तक रही। धन्यवाद। नमस्ते, मैं मुरारजी देसाई, भारत का 4था प्रधानमंत्री। मेरा कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। धन्यवाद। मेरा नाम चौधरी चरण सिंह है। मैं भारत का 5वां प्रधानमंत्री हूँ। मेरा कार्यकाल 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। धन्यवाद। नमस्ते, मैं राजीव गांधी, भारत का 6ठा प्रधानमंत्री। मेरा कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। नमस्ते, मेरा नाम सुनाम प्रताप सिंह है। मैं भारत का 7वां प्रधानमंत्री हूँ। मेरा कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा। धन्यवाद। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूद से क्यों डरूं।
तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम और सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती में दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, ना भवरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, देखते वर तूफान का तेवरी तन गई, मौत से ठन गई। नमस्ते, मेरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। मुझे 3 बार अपने देश का प्रधान सेवक बनने का सुअवसर मिला। पहला 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। दूसरा 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक। तीसरा 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक। जय हिंद। नमस्ते, मेरा नाम एचडी देवगौड़ा है। मैं भारत का 11वां प्रधानमंत्री हूँ। मेरा कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा। धन्यवाद। नमस्ते, मैं इंदिरा कुमार गुजराल भारत का 12वां प्रधानमंत्री हूँ। मेरा कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998 तक रहा। धन्यवाद। मेरा नाम मनमोहन सिंह है। मैं भारत का 13वां प्रधानमंत्री हूँ। मेरा कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा। धन्यवाद। ये थे हमारे स्वतंत्र भारत के 1947 से अब तक के प्रधानमंत्री। ये सभी अपने निष्काम भाव के लिए जाने जाते हैं। भारत को यहाँ तक पहुँचाने में इन सभी का योगदान रहा। नाउ आई रिक्वेस्ट मिस मनीषा टू टेक ओवर द चार्ज। बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति इन नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा। वाकई भारत की हर उन्नति में इन सभी ने अपना योगदान दिया है। इस कोरोना पैंडेमिक के समय हमने पूरे देश को बदलते हुए देखा है। आइए बदलाव से जुड़ी एक छोटी सी कविता सुनते हैं। कुछ कुछ ऐसा हो रहा, इंडिया भारत बन रहा। डीजे का धुन ठिचक गया, रामायण का धुन बज रहा। हवाई और रेल यात्रा रुक गए, पद यात्रा का दौर चल रहा। कुछ कुछ ऐसा हो रहा, इंडिया भारत बन रहा। जंक फूड को जंग लग रहे, देशी व्यंजन घर में पक रहा। हाथ मिलाना गले लगना बंद है, नमस्ते से अभिवादन चल रहा। कुछ कुछ ऐसा हो रहा, इंडिया भारत बन रहा। शीतल पेय अनर्गल लग रहे, लस्सी चाय का चलन बढ़ रहा। पिज्जा बर्गर बिसरा गए, दाल रोटी का टंका बज रहा।
कुछ कुछ ऐसा हो रहा, इंडिया भारत बन रहा। बिग बॉस के दिन अब लग गए, ज्येष्ठ भ्राता श्री भड़क रहे, सरपट भाग रहा था माना, घर पर थोड़ा रम रहा। कुछ कुछ ऐसा हो रहा, इंडिया भारत बन रहा। जरूरतें सारी सिमट गई हैं, थोड़े में ही काम चल रहा। अपने लिए तो जी ही रहे हैं, औरों के लिए भी दीप जल रहा। कुछ कुछ ऐसा हो रहा, इंडिया भारत बन रहा। कुछ कुछ ऐसा हो रहा, इंडिया भारत बन रहा। अब आइए सुनते हैं हमारे संगीत शिक्षक द्वारा गाया ये देशभक्ति। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूं में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले।
बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खेच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। थैंक यू सर फॉर दिस ब्यूटिफुल पेट्रियोटिक सॉन्ग। हम भारतवर्ष का अमिट सम्मान करते हैं, हम भारतवर्ष का अमिट सम्मान करते हैं, यहाँ की मिट्टी का गुणगान करते हैं। हमें चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, हमें चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा वो कफन हमारा यही अरमान करते हैं। I now request our Hindi teacher, Mr. Devanand Tiwari, to kindly come up for a short speech. आदरणीय प्राचार्य महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त विश्व समुदाय के लिए लोकतंत्र पर गर्व करने का क्षण है, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत से आजादी के हिलोरे मारते इस देश के बारे में अधिकतर राजनीतिज्ञों की यही राय थी कि आजादी के बाद इतनी विविधताओं से भरा यह देश एक नहीं रह पाएगा। प्रसिद्ध ब्रिटिश राजनीतिज्ञ विंस्टन चर्चिल डंके की चोट पर कहते थे कि आजादी के बाद यह देश कई टुकड़ों में बट जाएगा, परंतु आज हमारी एकता ने, हमारी अखंडता ने उनकी भविष्यवाणियों को कब के गलत साबित कर दिया। 1952 का चुनाव देखने के लिए कई ब्रिटिश पत्रकार भारत आए, उनके लिए यह आश्चर्यजनक था कि कैसे भारत में सुदूर वन में भी मात्र एक मतदाता के लिए पूरा मतदान केंद्र बनाया जाता है। विदेशों में जहां नागरिकों को मतदान का अधिकार मिलने में वर्षों लग जाते हैं, कैसे भारत ने एक ही दिन में अपने नागरिकों को मतदान का अधिकार दे दिया। आज 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 2020 तक हम आ गए। हमारे देश ने आजादी के 74 बसंत देख लिए। किसी मुल्क के लिए इतना साल युवा होने की, कमर सीधी करने की और पंख खोलकर आसमान की ऊंचाइयों को नापने की उम्र होती है। क्या आप भीतर से महसूस करते हैं कि उत्साह में झूमता यह देश धूल झाड़ता
खड़ा हो रहा है और खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ रहा है। तो भयंकर गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक विषमता और दाने दाने को मोहताज 1947 का भारत आज नए जोश एवं उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है। आज का भारत नया भारत है। आज का भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। आज हम 36 करोड़ से 135 करोड़ से भी ज्यादा हो गए। नासा जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान में काम करने वालों की संख्या का 50% वैज्ञानिक भारतीय है। ऊर्जा, सैन्य, रक्षा, खाद्यान्न, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा भारत दिन प्रतिदिन आत्मनिर्भर होता जा रहा है और दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों का सामना हमारा भारत मजबूती के साथ कर रहा है। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पूजन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। मंदिर निर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण भी हो। राष्ट्र निर्माण कहने का अर्थ मोदी जी की कल्पना कहीं ना कहीं राम राज्य की ओर है। मैं अपनी वाणी को इसी उम्मीद के साथ विराम देता हूं कि आजादी रूपी इस दीपक की रोशनी अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक अवश्य पहुंचेगी। धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर दिस इंफॉर्मेटिव स्पीच। अब आइए सुनते हैं एक देशभक्ति गीत हमारे छात्रा संगीता के द्वारा। बातों ने तरसती बाहों ने और
से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे, बची है लगों की एक बूंद भी रगों में, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे। On this auspicious occasion, it's time to hear from our honorable principal ma'am. I request principal ma'am to kindly come up and speak a few words to encourage all of us. नमस्कार, आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकार, अमृत्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो, अरातिशैल सिंधु में सुवाण वाग्नि से डरो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। डियर चिल्ड्रन, इट्स a period of very very difficult hour due to corona, and at this juncture you all have to stay home and still remember that the nation should be first every time. Thank you. Thank you, madam. We have almost reached the conclusion of the program. Now we are ending the program and it's time to listen to Shanti Bhatt.